नमस्कार, मैं आदित्य वैभव वापस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे बिहार दर्शन के इस सीरीज में। और आज हम लोग हमारे इस बिहार दर्शन के एपिसोड नंबर 6 यानी कि आज जिस जिले को हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं वो एक और बिहार का खूबसूरत जिला जिसका नाम है भागलपुर, आज हम उसको कवर अप करने जा रहे हैं। भागलपुर जिसको बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है, भागलपुर जिसका इतिहास आज का नहीं बहुत पुराना इतिहास है, आज के सेशन में आप जानिएगा भागलपुर में। साथ ही साथ आप सारे के सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने हमारे बिहार दर्शन को इतना प्यार दिया, लेकिन इतने प्यार से तो काम चलता नहीं है, दिल मांगे मोर, और आप सबका और ज्यादा हमें प्यार चाहिए, इसलिए आप सब लोग क्लास को जरूर जरूर शेयर करा करें। साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे जितने भी है उस सीरीज को देख जाए जिसमें हम लोग आने वाले क्लासेज में बहुत सारे अन्य जिला दर्शन के सीरीज को कवर अप करने जा रहे हैं। तो सारे के सारे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे भागलपुर के बारे में। सबसे पहले भागलपुर की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमारे बिहार के साउथ ईस्टर्न हिस्से पे, यानी कि साउथ है और ये ईस्टर्न हिस्सा कह सकते हैं हम लोग, तो इस हिस्से में गंगा नदी के दक्षिण पे, या गंगा नदी कहा जाए तो भागलपुर के कुछ हिस्सों को आपके उत्तर में भी पड़ जाता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा जो मेन है दक्षिण क्षेत्र में आपके पड़ता है, भागलपुर आपको मौजूद नजर आ जाता है। भागलपुर के आसपास अगर हम देखें तो मधेपुरा, कटिहार, बांका, मुंगेर, खगड़िया, इन जिलों से घिरा हुआ है आपके भागलपुर। भागलपुर की डिवीजन की बात अगर हम लोग दोस्तों करते हैं तो भागलपुर भागलपुर स्वयं में एक डिवीजन है, और भागलपुर डिवीजन की खास बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि बिहार का सबसे छोटा डिवीजन अगर कोई कहे तो आपका भागलपुर डिवीजन ही हो जाएगा, जिस भागलपुर डिवीजन की स्थापना 4 मई 1773 में आपके होती है, और यह उस दौर की बात है जब अंग्रेजों ने ट्रिटी ऑफ आपके इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत आपके बिहार, बंगाल और साथ ही साथ आपके उड़ीसा का दीवाना राइट ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, और उसके बाद भागलपुर एक अलग डिवीजन, एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में 4 मई 1773 को एस्टेब्लिश किया गया था। इस चीज को आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ भागलपुर से एक तथ्य मैंने पिछले क्लास में बताया था, इस क्लास में मैं आपको बताता हूं कि भागलपुर की बेगम थी, वह बेगम जो भागलपुर की थी वह आपके बेगूसराय जाया करती थी, और इसीलिए बेगूसराय का नाम जो है बेगमसराय पड़ा और आगे जाकर के वही आपके बेगूसराय हुआ। साथ ही साथ भागलपुर की नदियों की बात करते हैं तो गंगा नदी और चंदन नदी आपके भागलपुर में मौजूद आपको नजर आ जाएगी। साथ ही साथ भागलपुर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हम लोग करते हैं तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भागलपुर का नाम जो है भगदत्तपुरम के नाम से लिया जाता था, जिसका अर्थ है सौभाग्य, जिसका अर्थ है गुड लक। इसके बाद आपके नाथनगर के आपके कर्णगढ़ में मानस आ कामना का मंदिर, कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण की स्मृति को आपके समर्पित करता है। साथ ही साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई सुजा की कब्र भी आपको भागलपुर में नजर आती है। तो यह भागलपुर से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्य। साथ ही साथ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के अनुदान से 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, भागलपुर ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बनता है, और प्रसिद्ध गांव स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी को भागलपुर के एक चौक पर ही फांसी दे दी गई थी, जिसे अब तक तिलका मांझी चौक के नाम से ही जाना जाता है। साथ ही साथ भागलपुर की बात अगर हम लोग करते हैं तो भागलपुर का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल की बात अगर हम देखें तो भागलपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भागलपुर टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, जहां पे 3 सब डिवीजन, 16 ब्लॉक और 242 पंचायत और 1129 गांव आपको मौजूद नजर आते हैं। वहीं लोकसभा सीट्स की बात करते हैं तो 1 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीट नाथनगर, सुल्तानगंज, साथ ही साथ आपके कहलगांव, कहलगांव वही जगह जहां पे आपके विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य है, पीरपैती, बिहपुर, भागलपुर और गोपालपुर जो आपके 7 इसके विधानसभा सीट्स हैं। ज्योग्राफिकल, भौगोलिक और जनसाइक दृष्टि से बात अगर हम लोग करते हैं तो भागलपुर में औसत वर्षा जो है 116.2 सेंटीमीटर होती है, लेकिन साथ ही साथ भागलपुर आपके आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी में, याद रखिएगा बिहार में सबसे ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी कहीं पे होती है तो वो भागलपुर में ही होती है। भांगर मिट्टी, कगारी मिट्टी जो है यह भागलपुर की प्रसिद्ध मिट्टी, या भागलपुर में जो पाई जाने वाली मिट्टी है, भांगर यानी कि आपके पुरानी जलोद मिट्टी और कगारी मिट्टी, साथ ही साथ आपके नवीन जलोद मिट्टी यानी कि
कह सकते हैं आपके खादर मिट्टी, यह भी आपको भागलपुर में नजर आ जाती है। तो इसके साथ ही साथ आपके खादर मिट्टी भी नजर आ जाती है। भागलपुर की जनसंख्या घनत्व यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं 1182। वहीं भागलपुर की जनसंख्या वृद्धि 25.36% है और भागलपुर का लिंग अनुपात 880। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर यह भागलपुर में 880 महिलाएं आपको मौजूद नजर आ जाएगी। वहीं साक्षरता दर लिटरेसी रेट की बात अगर हम लोग करते हैं तो भागलपुर में 63.1% यहां की लिटरेसी रेट साक्षरता दर, जहां हम देखते हैं कि पुरुष साक्षरता दर 70.3% और महिला साक्षरता दर 54.9% आपको मौजूद नजर आती है। इसके अलावा यहां बोली जाने वाली बोली की बात हम लोग करते हैं तो हिंदी, खड़ी बोली, मैथिली, प्रत्युष्णी, अंगिका और साथ ही साथ उर्दू भाषा जो है यहां पर आपके बोली जाने वाली मुख्य भाषा के रूप में नजर आता है। उद्योग के रूप में बात अगर हम लोग करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आप सबको बता दिया कि भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं, यानी कि भारत में बिहार के अगर हम लोग बात करते हैं तो एज ए रेशम नगर के रूप में जानते हैं। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट की बात अगर हम लोग करते हैं तो 2300 यहां पे रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट है। इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर्ड मीडियम जो है 7 है, बड़ी इंडस्ट्री 2 है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो 2 आपको नजर आ जाता है। खाद्य प्रसंस्करण जिसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सामान्य निर्माण, मिनरल वाटर यूनिट कम आपके, इसके अलावा प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और सेवा केंद्र जो है भागलपुर में स्थित आपको मौजूद नजर आ जाएगा। साथ ही साथ उद्योगों की बात अगर हम लोग करते हैं तो भागलपुर की पृष्ठभूमि कला, रेशम, कृषि, उद्योग और वाणिज्य, कॉमर्स है और यह पटना के बाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आपके उभरा है। साथ ही साथ जिले में 2 औद्योगिक क्षेत्र, बरारी लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेट जो भागलपुर में 51.35 एकड़ की स्थल में फैला हुआ है और दूसरा औद्योगिक क्षेत्र जो है ग्रोथ सेंटर कहलगांव में 1020.45 एकड़ के क्षेत्रफल में आपके फैला हुआ है। एनटीपीसी संचालित यहां पे थर्मल पावर स्टेशन भी है ताकि जो बिजली की हमारी आपूर्ति है उसको पूरा कर किया जा सके, जहां पे 2340 मेगावाट की स्थापित क्षमता है जो कि कहलगांव में आपके स्थित है। साथ ही साथ भारत सरकार ने भागलपुर में एक हथकरघा पार्क और एक फूड पार्क की भी स्थापना की है, इस बात को भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ भागलपुर के उद्योगों की बात जब भी हम करेंगे तो जिले में कई बड़े उद्योग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जैसे स्टार सीमेंट, नालंदा पेपर मिल, कोका कोला इत्यादि। और भागलपुर अपने आमों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि यहाँ का जरदालू मैंगो जिसको आपके GI टैग भी मिल रखा है। इस चीज को भी आप लोग का ध्यान रखना है, जो कि आपके सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे अच्छे आमों में से एक है और इसका एक प्रमुख चावल उत्पादन भी है, कतरनी चावल, के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, जिसको भी GI टैग मिल रखा है। साथ ही साथ ओक टसर सिल्क और उसके उत्पादनों के उत्पादन में भागलपुर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और भारत सरकार ने 1974 में बुनकर सेवा केंद्र की भी स्थापना भागलपुर में की है, इस बात को आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भागलपुर पूर्वी बिहार का एक शैक्षणिक केंद्र है। जिले में कई प्रसिद्ध स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं। प्राचीन विश्वविद्यालय आपके रेशम संस्थान तिलका मांझी भागलपुर, विश्वविद्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, यह आपको यहां नजर आ जाते हैं। इसके अलावा KNH मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा एवं अस्पताल मायागंज भागलपुर में नजर आता है। भारतीय रेलवे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान भागलपुर, भावलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको यही मौजूद है। साथ ही साथ TNB लॉ कॉलेज जो है यह भी आपको भागलपुर में ही मौजूद नजर आ जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी भागलपुर का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा यहां पे अगर हम लोग स्थापत्य विरासत स्थल की बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपके अचितंग में आपके मौजूद है, जिसको आपके धर्मपाल ने बनवाया था, वो भी यहीं पे स्थित है। उसके अवशेष रॉक टेंपल जो कि आपके गोल गुंग में स्थित है। इसके अलावा पातालपुरी गुफा और आपके पत्थरघटा पहाड़ी, इसके अलावा आपके मधुरामपुर पर आपके बटेश्वर गुफा से सटी भूमि भी आपके यहीं पर मौजूद है। साथ ही साथ आपके पत्थरघाट की चट्टानी मूर्तियां भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और विरासत पर्यटन के रूप में यहां के लिए प्रख्यात है। मंदिरों की बात करते हैं तो दुधेश्वर महादेव मंदिर, नौगछिया के वेंकटेश्वर मंदिर, नाथनगर के आपके मानस कामना मंदिर, नाथनगर के जैन मंदिर, गंगा के तट पे बूढ़ा नाथ मंदिर, एक प्राचीन शिव मंदिर यहीं पे मौजूद है। साथ ही साथ गंगा नदी के तट पर आपके कुप्पा घाट पर महर्षि आपके मेंधी आश्रम, साथ ही साथ आपके अजगैवनाथ शिव मंदिर सुल्तानगंज में यहीं पे आपके मौजूद है, जहां से लोग जल भरते हैं और फिर जाकर के आपके
के, जब हम लोग सिमरिया, जब हम लोग आपके बाबा धाम की तरफ बढ़ते हैं आपके सावन के महीने में, उस दौरान यहीं से जल भरा जाता है। प्राकृतिक धरोहर की बात हम लोग करते हैं तो नेचुरल भी बहुत सारे यहाँ पे एसेट्स नजर आएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण भागलपुर के कहलगांव में 55 किलोमीटर तक आपको नजर आएगा। और ना सिर्फ इस क्षेत्र में बल्कि अगर हम लोग बात करें इस क्षेत्र के बारे में तो यह आपके पूरे के पूरे एशिया का इकलौता कंजर्वेशन सेंटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं आपके कंजर्वेशन सेंटर या हम इसको रिहैबिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र गंगेटिक डॉल्फिन का आपको यहीं पर नजर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो पुनर्वास केंद्र, जिसको हम लोग कहते हैं पुनर्वास केंद्र या जिसको हम लोग कहते हैं रिहैबिटेशन सेंटर जो है यहीं पर आपके मौजूद नजर आ जाता है। साथ ही साथ यहां पर आपके मदार हिल्स और चित्रकारी और कला की बात अगर हम लोग करते हैं तो मंजूसा पेंटिंग भागलपुर की प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। बिहुला आपके बिशहरी मधु श्रावणी एक लोकप्रिय त्योहार आपको भागलपुर में ही आपके मौजूद नजर आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने पूरे के पूरे भागलपुर को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश की। वीडियो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगेगा, अपने सारे एक दोस्त के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिख करके अपना प्यार जरूर आप सब लोग दें, क्योंकि आपके प्यार के भूखे हम सब लोग हैं और आपका प्यार ही इस सीरीज को आगे बढ़ाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बढ़िया लगा हो, आपने इस सेशन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं वापस से अन्य सीरीज के साथ, अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे के सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।